So शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया। जी uh, देख yeah. yes. uh. तो देखिये मैं आप एक चीज बड़ी चीज बोलता हूँ इसमें कॉमेडी शो में क्या होता है कि हर कैरेक्टर को होना पड़ता है फिजिकली ऑन साइज वो उसका शोप की तरह नहीं होता कि एक, एक एक्टर ने आज शूटिंग की है दूसरा कट उसका लगा यहाँ तो अगर आपको गिव एंड आप, टेक नहीं है अगर कमरेडिटी नहीं है आपकी तो डॉट वर्क सो हम तो रहते ही परमानेंटली ऑल ऑफ आर देव ऑन दर्स फिजिकली तो अब क्या है कि साथ में रह के विद इज सेवन ईयर्स साथ में उठना बैठना खाना दुख सुख किसी के यू नो किसी के अभी किसी की डेथ माँ की डेथ हो गई किसी के फादर की हो किसी का बच्चा हुआ सो वी ऑल कनेक्टेड लाइक दैट नो नो भी हम दूसरे को फील करते हैं सो इट्स लाइक अ बिग फैमिली यू नो ऐसा नहीं है कि आपका ये अलग क्लान है वो एक्टर्स अलग बैठते हैं अलग बैठते हैं अलग बैठते, 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 बैठते हैं हम साथ में खाते हैं, पीते हैं इस लाइक का बिग फैमिली हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं हमारे कमरे में बैठ के हमारे साथ खाते हैं नो दे ईट वी ईट टुगेदर सो ऐसा हमने शुरू से रखा नहीं है कि उसमें कोई लेवल ऑफ एक्टर्स या लेवल ऑफ़ यू नो कोई इट्स लाइक एवरी इज़ टुगेदर everybody is together har kisi ko bolne ka adhikar hai apna you know uh, मुद्दा रखने का अधिकार है everybody कैन say anything what they want जी, जी. okay main abhi aap se sirf kuch ek sawal puchungi and aap uh, kyunki producers bhi hain to ye bhi apne actors ko bahut acche se jante hain and jo uh, <laughs> <रोगी। laughs> <जी. Excuse me? laughs> <laughs> सबसे पहले सब तो से... से नहीं नहीं, नहीं। कोई नहीं कोई नहीं, नहीं।, 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 नहीं, नहीं।, <laughs> नहीं जल्दी आता आई कम हाफ एन आवर अर्ली एवरी डेन के बाद जाता क्यों कोई कौन नहीं ये नहीं जाते क्योंकि ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं इन्होंने पीछे घर ले लिया पीछे बंगला ले लिया है बंगलो राइट दिस तो ये

तो बताओ इनके बारिंग बताता हूँ मैं एक रोज़ ना ये थोड़े से थोड़े से इनकी जो डर की गारंटी थोड़ा ज़्यादा बड़ी है इनकी तो उनको डराते रहते हैं हम लोग तो मैंने कहा कि शो अच्छी टी आर पीज आएँ एवरीबडी वाज डूइंग सो वेल शो वाज डूइंग सो वेल तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया मैंने कहा यार बताओ इतना अच्छा अच्छा शो चल रहा है अब वो जिस तो टाइम तो तो सोमिया उस रू अनिता का रोल मैंने कहा सोम्या प्रेगनेंट हो गई तो ये स्क्रिप पढ़ रहे थे अपने इन्होंने मुझे एक ऐसी लुक दी ये क्या हो गया हाँ, तो अच्छा सुनो उसके, उसके बाद उन्होंने सुनो उस वक्त उस वक्त उन्होंने रिएक्ट नहीं किया उस वक्त रिएक्ट नहीं किया उन्होंने कि कितना बड़ा झचका लगा है ये गए पहले उसके पास शिभागे के पास कि ऐसा है तो इसने बोला हाँ ऐसा है और वो सौ जब भी इनके पास आए तो इनको हमने पूरे एक वीक सताया एक वीक सताया एक वीक पूरा

लेंस टूट गया मतलब टुकड़े टुकड़े हो गया जैसी रोल बोला और मैं इतना डर गई आई रोअली मीन स्टार्टेड शिवरिंग और यू कैन अंडरस्टैंड पहला दिन और लेकिन फिर सबने ताली बजाई और कहा कि ये शगुन होता है <laughs> तो ये एक अच्छा हुआ और बाकी पहला एक्सपीरियंस रोहित जी तो बहुत खुश थे मुझे देख के आसिफ जी थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहे थे <laughs> लेकिन अब वो मेरी मेरे में क्या है कि एक है कि एटीट्यूड यू कैन सी तो लोग उसको जो चाहे कर सकते हैं लेकिन अब वो चंद सहेली है मेरी देखिए आसिफ भाई के साथ मैं पहले काम कर चुका था हम एक सीरियल में लगभग दोनों बहुत मेजर रोल्स में थे हम तो मैं और कहीं ना कहीं गाहे बगाहे हम टकराते रहे भी हैं कई जगहों पर और मैं इनका बहुत मुरीद पहले से भी था क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो इनका यस बॉस बहुत आया करता था तो उस समय मैं यही समझता था कि ये बहुत घमंडी आदमी होगा और ईगो नाक पे लेके चलता होगा लेकिन क्योंकि मैं पहले काम कर चुका था तो मुझे इनसे बातचीत करके और क्योंकि ये इप्टा के साथ जुड़े रहे हैं आपको पता होगा इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन के साथ थिएटर तो रंगमंच के कलाकार कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है वो करीबियाँ ही लेते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ हम दोनों के बीच में रही और जब भी यहाँ पर भी जब जैसे इनको कोई किरदार करने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है हमारी कोई ईगो की टकराहट है भी नहीं तो मैं झुक कर कहता हूँ पहले आप <laughs> <laughs> अच्छा मैम के, तो के बारे में हाँ शुभांगी जी के बारे में बहुत अच्छी बात मैं ये कहूँगा कि बड़ा मुश्किल होता है एक, एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है मैं तो नहीं कर सकता ये अगर मुझे कोई रोल मिले जो पहले कोई कलाकार कर रहा था मैं नहीं करूँगा मैं मना कर दूँगा क्योंकि बहुत प्रेशर होता है बड़ी गालियां भी पड़ती हैं तो ऐसे में शुभांगी जी ने जब ज्वाइन किया और कुछ ही समय के बाद ये खुद अंगूरी भाभी कहलाने लगी बखूबी संभाल लिया तो इसकी मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मेरा किरदार भी तो पकाना उसके साथ साथ <laughs> मेरे साथ तो ऐसा था कि मुझे वन तो सब मुझे मालूम था और मैंने काम किया हुआ था शुभांगी वाज न्यू टू मी इनको लगा कि मेरा एटीट्यूड है लेकिन बिकॉज क्या होता है कि आई टेक लिटिल टाइम टू ओपन अप टाइम लगता है मुझे खुलने में लेकिन इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस और द वे शी टुक ओवर द रोल सो ब्यूटीफुली कि जो चेंज ओवर होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर था उसी जगह एक यू नो समी एल्स कम इन दैट कैरेक्टर इन दैट स्लॉट इट्स नॉट ईजी सीरियसली और बहुत खूबखूबी इसने निभाया और रोहताश आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल एंड द फेबुलस को एक्टर आई कैन रियली आस्क फॉर बिकॉज आज तक मेरी रोहिताइश की किसी भी बात पर कोई भी बात पर हमारा कन्फ्यूजन भी नहीं हुआ एंड आई रिस्पेक्ट हिस क्राफ्ट एंड ही रिस्पेक्ट माई क्राफ्ट हम दोनों बहुत इज्जत करते दूसरे काम की तो हमारा कोई कोई किसी भी लेवल पर हमारा कोई कन्फ्यूजन नहीं है so वी एन्जॉय <laughs>

They are, to of course, being seniors. Wonderful, but the whole set is wonderful, and everybody is wonderful. But I'm very bonded with them also. We fight also, we argue also, but we are very bonded. We are like a family. Okay. So on this note, thank you so much, guys. Thank, thank and you, Ji.